नेम इज स्वाति एंड वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो सब लोग? पिछले सबसे पहले आप वो बताइएगा कि आप लोग सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी बड़ा ब्रेक ले लिया था यूट्यूब से एंड उसकी वजह से मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा था। एंड ऑल्सो काफ़ी लोग मुझे पूछ भी रहे थे, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो मुझे पूछ रहे थे कि क्या हुआ है स्वाति, कोई तू क्यों ही लाइक तू कोई अपलोड क्यों नहीं कर रही है वीडियो। तो या काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। फर्स्ट तो मेरी बीच में तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे मेरे, एंड देन उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में अच्छी नहीं चल रही थी, जिसके वजह से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं काम करूँ वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें। उसके वजह से मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर रही थी एंड या उसके वजह से ही अपलोड्स नहीं हो रही थी यूट्यूब पर। ये फाइनली मैंने डिसाइड कर दिया है कि मुझे वीडियोस रेगुलरली शूट करनी ही है एंड यही है वो टाइम। तो गाइज, आप लोगों को पता होगा क्रिसमस आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए कोई वीडियो बनाया जाए। एंड वैसे भी ये जो मंथ है वो लास्ट मंथ है ये इस साल का, तो मैं नहीं चाहती कि मैं साल के एंड में कुछ ना करूं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना ही है मेरे को। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि नहीं, जितना भी टाइम बचा है मुझे वीडियोज़ ज़रूर शूट करनी चाहिए। सो यस, हियर आई एम। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक, जो मैंने काफ़ी इजीली क्रिएट किया है, क्योंकि गाइज आप लोगों को पता है अभी क्रिसमस आने वाला है, देन न्यू ईयर है एंड काफ़ी लोग पार्टी करते हैं, राइट। एंड जब आप पार्टीज़ में जाओगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी मेकअप करना पसंद है, एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको काफ़ी कम मेकअप करना पसंद है। तो आप काफ़ी कम चीज़ों में एंड काफ़ी इजीली आप अच्छा मेकअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो पार्टी के लिए भी अच्छा हो, तो यहाँ पर मैं वही आपको बताऊंगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना फेस मॉइस्चराइज कर लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स की बीबी क्रीम अपने फेस का जो बेस है उसे अप्लाई करने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, उसी के साथ इसका जो कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड अगर आप बिगिनर हो या फिर अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो और आपको पता नहीं कि आपको कौन सा फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए, तो आपको ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम यूज़ करनी चाहिए। ये काफ़ी अच्छी है, ट्रस्ट मी, एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। तो उसके बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड मैं अंडर आइज़ पे भी सेम यही क्रीम अप्लाई करूँगी। मैं अलग से कोई कंसीलर यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर। इसे मैं अच्छे से सेट कर लूँगी अपना जो बेस है। तो एज़ यू कैन सी, अपने अंडर आइज़ पे एंड अपने पूरे फेस पे मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। एंड उसी के साथ आपको अपने ईयर्स एंड नेक को कभी नहीं भूलना है। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई करें, उसे आपके नेक पे और ईयर्स पे भी अप्लाई कीजिए। उसके बाद मैं ये ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ एंड इससे मैं अपने आईब्रोज़ फिल कर लूँगी, क्योंकि मेरे आईब्रोज़ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डार्क है एंड काफ़ी अच्छे हैं, तो मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं ब्लैक जो आई शेडो वो मेरे आईब्रोज़ के साथ काफ़ी अच्छा जाता है एज़ यू कैन सी, एंड काफ़ी नेचुरल भी लगता है उसके वजह से। तो इसलिए मैं ये वाला आई शेडो यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। एंड उसके बाद बारी आती है आई मेकअप की। तो आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट। इसमें से ये जो लाइट ब्राउन कलर है वो मैं अपने क्रीज लाइन पर अप्लाई कर लूँगी। एंड एज़ यू कैन सी, मैं काफ़ी हल्का हल्का करके उसे ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि आपके आईज़ को अच्छा खासा यू नो इन्हांस करता है। उसके बाद मैं ये डार्क ब्राउन कलर लूँगी एंड इसे मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई कर लूँगी। एज़ यू कैन सी, अगर आप ऐसे आई शेडो अगर अप्लाई करते हो तो ये आपके आईज़ को काफ़ी अच्छा एंड बड़ा बनाता है एंड एक अच्छा डेप्थ प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी आईज़ काफ़ी अच्छी लगती है। उसके बाद मैं यहाँ पर सेम डार्क ब्राउन अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी और यहाँ पर मैं एक शिमर आई शेडो ले रही हूँ, क्योंकि गाइस क्रिसमस है, न्यू ईयर है, पार्टी है, तो ऑफकोर्स आपको शिमर तो चाहिए ही, जिससे आपके यू नो खूब मेकअप में और भी अच्छी चार चांद लग जाते हैं। तो आपको हमेशा ग्लिटर, कुछ ग्लिटरी सा अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ग्लिटर आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ, तो उसे मैं एज ए आई लाइनर यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। मैं ज़्यादा पूरे आईलिड पर नहीं जाऊँगी, तो एज ए लाइनर में इसे अप्लाई करूँगी एंड अपने इनर कॉर्नर पे भी इसे थोड़ा सा लगाऊँगी, ताकि एक अच्छा लुक आए आईज़ को। एंड उसी के साथ मैं अपने जो पूरी आईलिड है वहाँ पर इसे जस्ट पैट पैट करूँगी, ताकि काफ़ी हल्का हल्का सा शिमर वहाँ पर लगे एंड एक अच्छी खासी शीन जब भी आप
अपनी आंखें बंद करो तो एक अच्छी शाइन आए आपके आईलिड से, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है एंड ये मेकअप ज़्यादा भी नहीं लगता है। तो जिन्हें काफ़ी कम मेकअप करना पसंद है वो ये मेकअप अच्छे से कर सकते हैं एंड पार्टी में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। एज़ यू कैन सी, उसके बाद यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी काजल, ताकि यू नो आपकी आईज़ काफ़ी बड़ी लगे। तो जिनकी छोटी आईज़ है आप हमेशा काजल यूज़ किया कीजिए, जिससे आपकी आँखें काफ़ी इन्हांस एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। तो यहाँ पर मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ। सो उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। ये काफ़ी अच्छा मस्कारा है गाइज एंड वाटर प्रूफ है, तो आपको अगर अच्छा खासा मस्कारा वाटर प्रूफ में चाहिए तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये आपके लैशेज़ को काफ़ी अच्छे से एक लेंथ प्रोवाइड करता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक ब्लश ले रही हूँ जो एकदम लाइट पिंक कलर में है, तो उसे मैं हल्का सा अप्लाई कर रही हूँ एंड मैं थोड़ा यू नो ऊपर के साइड से अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मुझे वैसे ही मुझे वैसे ही अच्छा लगता है ब्लश अप्लाई करना। एंड यहाँ पर मैं एक रेड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ जो इस लुक को कंप्लीट कर देगा। एंड हियर इज़ द फाइनल फिनिश लुक। आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा, तो अगर आपके कोई भी सजेशन है मेरे लिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगी कि उस टाइप्स के मैं वीडियोस बनाऊँ। एंड ऑल्सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी स्ट्रांग एंड ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ।